सिर्फ परिणीति की बात करें तो भाई अब शो में गुंडों ने एक नई डिमांड रख दी है। यहाँ पर पुलिस वालों ने ये बात कही कि आपके भागने के लिए हम कार का इंतज़ाम कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर गुंडे कहते हैं कि भाई हमें कार नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे हैं और जिनके पास पैसे होते हैं वो हवाई रास्ते से जाते हैं, इसलिए हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। आप लोग हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करें क्योंकि हम और हमारे जितने भी साथी हैं वो वहीं से निकलेंगे, देश छोड़कर भागेंगे। आपको बता दें कि इधर पुलिस वालों ने कहा है कि ये बहुत हो गया है, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इधर आपको बताते चले कि ये जो गुंडे हैं परिणीत, साथ ही साथ राजीव और नीति और साथ में एक और आदमी को इन्होंने एक साथ बांध दिया है और चेहरे पर इन्होंने काला कपड़ा लगा दिया है और कहा है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने हमें परेशान किया है, इसलिए इन्हें सबसे पहले आगे करेंगे। यहाँ पर पुलिस वालों ने मोर्चा संभाल लिया है, करीब 10-12 पुलिस वाले एक साथ गन लेकर खड़े हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वैसे ही वो शूट करना शुरू कर देंगे सबको। और इधर आपको बताते चले कि बाहर निकलते साथ जैसे ही दरवाज़ा खुलता है बाहर निकलते साथ ही विकी, राजीव, दूसरे लोग सब गुंडे के ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ से फायरिंग भी शुरू हो गई है। नीति जो है उसने भी मोर्चा संभाल लिया है, विक्की ने मोर्चा संभाल लिया है, बस परी ये दूर खड़े देख रही है और बस आंख से आंसू निकाल रही है क्योंकि परी का काम ही यही है, इसको शो में यही काम मिला है, रोना और दूर खड़े होकर ये सब तमाशा देखना। अब देखना दिलचस्प होता है कि अब शो में आगे और कौन से नए मोड़ दिखाए जाते हैं।